आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, गूगल असिस्टेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद आपके फोन में गूगल का ऐप है, इस गूगल के ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब इस ऐप में आपको राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर को टैप करना है। ठीक है, आपका एक पेज आता है, इसमें आपको नीचे सेटिंग का ये ऑप्शन है, सेटिंग पे टैप करना है। अब आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको नीचे की साइड ये गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट पे टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे ना ये हे गूगल एंड वॉइस मैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, अब आपका ये वाला पेज आएगा एक और, अब इस पेज में आपको डिवाइस लिखा ना, डिवाइस पे टैप करेंगे तो आपको नीचे इतना ये पेज दिखाई देगा। अब इस पेज में आपको ये हे गूगल के सामने वाला ये जो बटन है, इस बटन को टैप करके ऑन करना है। ठीक है, तो आप इस बटन को टैप करेंगे ना तो आपका यहाँ पर एक ये पेज आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको इस वाले पेज में नीचे मोर का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, अब आपका ये पेज आता है, इसमें एग्री का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे आपको इस पेज में मोर का ये ऑप्शन दोबारा से टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपको एग्री का ये ऑप्शन दोबारा से टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक और पेज आएगा। ठीक है, अब इस पेज में आपको नेक्स्ट का ये बटन आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका एक और पेज आएगा यहाँ पे। तो देखिए इस वाले पेज में आपको जो है ना, फिलहाल के लिए इसे नीचे की साइड ये नॉट नाउ पे टैप करना है, तो आपका वापस से वही पेज आ जाएगा ये वाला। इस पेज में देखिए आपका हे गूगल के सामने वाला बटन ये ऑन हो जाता है। तो इतना प्रोसेस आप करेंगे ना तब जाके आपका ये बटन ऑन होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए अगला काम ये करना है, बैक पेज पे जाना है। ठीक है, तो इसके बैक पेज पे आएंगे तो आपको ये जो गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था ना, इसके ठीक नीचे आपको वॉइस का ऑप्शन है, वॉइस पे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है स्पीच आउटपुट का, इसे टैप करना है। देखिए इस पेज में अगर आपका नोन के आगे टिक मार्क लगा हुआ है ना, तो इसे फुल पे टिक मार्क लगाना है। ठीक है, इस तरीके से फुल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो ये दो प्रोसेस आपको बताया ना, ये दोनों प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।